सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में बीएस कंसाना चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जिला कुश्ती एसोसिएशन आगरा के तत्वाधान में एक दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद आगरा के भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए पहलवानों ने अखाड़े में आकर पैर जमाया। आपको बता दें, जनपद आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र में स्थित सरदार पटेल एजुकेशनल कॉलेज के मैदान में पूर्व जिला पंचायत सदस्य आगरा एवं सरदार पटेल एजुकेशनल कॉलेज के चेयरमैन दिलीप सिंह कंसाना ने इस दंगल का आयोजन किया, जिसमें जनपद के भिन्न भिन्न स्थानों से आए करीब 400 पहलवानों ने अखाड़े में आकर ताल ठोकी, जिनमें महिला पहलवान भी शामिल रही। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने दंगल में हुई कुश्ती का भरपूर लुत्फ उठाया, जिसमें कुछ पहलवानों को निराशा हाथ लगी तो वहीं कुछ को विजय माला पहनाई गई। एक के बाद एक हुई पछाड़ कुश्ती के अंतिम दौर में फाइनल जिला केसरी कुश्ती 125 किलोग्राम भार में हरेंद्र सिंह गुर्जर निवासी रसूलपुर खेरागढ़ और योगेश चाहर निवासी अकोला आगरा के बीच हुई, जिसमें खेरागढ़ के हरेंद्र सिंह गुर्जर ने योगेश चाहर को पछाड़ जिला केसरी कुश्ती अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, इस फाइनल कुश्ती में जीतने वाले हरेंद्र सिंह गुर्जर को 21,000 की धनराशि और गद्दा देकर सम्मानित किया गया। क्या नाम है आपका? किस जगह से आए आप? गांव बगदई से। ये जो कुश्ती हुई है, कितने किलोग्राम भार से हुई आपकी कुश्ती? मेरी 92 किलो। हाँ, आज आप विजयी रहे हैं इस कुश्ती में? विजयी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इस कुश्ती के विषय में? आज हमारे गुरु केदार गुरु हैं, वो बढ़िया प्रैक्टिस कराते हैं, और जो रामनिवास गुरु हैं उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, दिलीप पहलवान जी हैं उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा है, और इससे हमको प्रेरित होता है कि हम मिट्टी से निकल के गद्दा पे हम प्रैक्टिस करें और आगे के लिए जाएं, और नए युवा हैं वो भी आगे के लिए निकलेंगे इस क्षेत्र के, और ज्यादा से ज्यादा लड़के इसमें भाग लेंगे, जिससे कि देश का नाम रोशन होगा। ठीक है, आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? चंदू पहलवान। कहाँ से आया? मैं आगरा से हूँ, वैसे मथुरा से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज की कुश्ती के लिए? आज की कुश्ती हमें 97 केजी में हुई थी, जिसमें विजयी रहा। ये मेरे गुरु जी हैं रामनिवास पहलवान जी, वो मुझे प्रैक्टिस कराते हैं और उसी के कारण आज मैं विजयी रहा हूँ। अच्छा, आज के जो देश के जो नौजवान है, क्या संदेश देंगे उनके लिए? जी, मैं यही संदेश दूंगा कि जो गंदे आदतें उनको छोड़कर थोड़ा सा शरीर पे ध्यान दें और हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाएं। कुश्ती में पधारे महिला पहलवानों में सलोनी पहलवान, चंचल पहलवान आदि के साथ चंदू पहलवान, डालचंद पहलवान, विजयपाल पहलवान, मदन मोहन पहलवान, राजू कंसाना, धर्मेंद्र गुर्जर आदि पहलवान बड़ी भूमिका में रहे। वहीं जज के रूप में रामनिवास पहलवान, उत्तर प्रदेश केसरी विजेंद्र सिंह पहलवान, दिलीप सिंह कंसाना, विजय वीर पहलवान, गंभीर पहलवान, रामदत्त लवानिया मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? किस जगह से आई हैं? आगरा रामबाग से। जी, आपने कितने किलोग्राम भार से ये कुश्ती जीती है? 57। किससे आपकी कुश्ती हुई है? सोनिया से। कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको कुश्ती लड़ने की? जी, मेरे दादा पर दादा जी भी पहलवानी करते थे, फिर मेरे पापा ने बोला कि हम लोग ऐसे ही कई पहलवानी करें, इस वजह से हम चाह रहे थे कि हम भी पहलवानी में जाएं और अपने घर वालों का, देश का नाम रोशन। आप भी गीता और गीता फोगाट, बबीता फोगाट से कहीं प्रेरित तो नहीं है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सलोनी गोस्वामी। किस जगह से आई हैं? आगरा से। कितने किलोग्राम भार से आपने ये कुश्ती जीती? 62 बार। ओके, तो ये आपकी जो प्रेरणा है कुश्ती लड़ने की, ये कहाँ से आपको प्राप्त हुई है? ये मुझे मेरे ताऊ से मिली, मेरे ताऊ पहलवानी करते थे, वो भी बहुत बड़े पहलवान हैं, और उन्हीं से मिली, वो चाहते हैं कि मैं भी पहलवानी करूं और आगे। अच्छा, आज की जो महिलाओं के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? यही कि गांव-गांव शहर-शहर से लड़कियां निकले और कुश्ती करें, और गीता जैसे सारी अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं जो मेडल ला रही हैं उन्हीं की तरह मेडल। सर, क्या नाम है आपका? मैं दिलीप कसाना हूँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आगरा और चेयरमैन और सरदार पटेल कॉलेज से आज खेरागढ़ आगरा। आज यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म के उपलक्ष्य में लोह पुरुष थे, इसलिए एक दंगल का आयोजन कराया गया जी, क्योंकि क्षेत्र में कुश्ती सर्वप्रिय खेल है जो प्राचीन काल से था, जिसमें कृष्ण बलदाऊ जैसे महा विभूति कुश्ती लड़ी
और उसकी विलुप्त तो होती हुई इसे देखते हुए ये दंगल का आयोजन कराया है, जिस क्षेत्र में छात्र छात्रा और बच्चे हमेशा पहलवान बने और पहलवान जब बनेंगे तो निश्चित तौर से भारत खुशहाल रहेगा। सर तकरीबन कितने यहाँ पर पहलवानों ने हिस्सा लिया है? तकरीबन 450 पहलवान यहाँ आए और उन्होंने पृथक पृथक करके अपने वेट में। इसमें महिला पहलवान भी आई हैं? आई हैं, उनको भी चैंपियनशिप दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पुरुष पहलवानों से कहीं महिला पहलवानों का पलड़ा भारी रहा? हाँ नहीं नहीं अच्छा रहा, अच्छा रहा, महिलाओं में अच्छा वो रहा। तो आप ये संदेश क्या देना चाहेंगे आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए ये संदेश देना चाहेंगे, जिसके सीने में गोश्त होता है उसका जमाना दोस्त होता है। जो जवान होता है उसी के साथ में चाहे सत्ता हो, चाहे सारी देश की हवाएं हो या सरद की सीमाएं उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसलिए इसका आयोजन कराया गया। धन्यवाद। मेरा नाम रामवास पहलवान है, तीसरी हूँ ऑल इंडिया रेलवे चैंपियन हूँ अंतर्राष्ट्रीय में और जिला कुश्ती का सचिव हूँ, जिला कुश्ती एसोसिएशन का। ये जो कुश्ती का आयोजन किया गया है क्या कहना है इस विषय में? इसका ये कहना है कि ये यहाँ में पहले प्रथम पहलवान आएंगे वो गोरखपुर लड़ने जाएंगे, गोरखपुर में चैंपियनशिप हो रही है उत्तर प्रदेश केसरी और उत्तर प्रदेश चैंपियनशिप, ये 14 को जाएंगे यहाँ से, 15 को बजने, 17-18 चैंपियनशिप। तो प्रथम पुरस्कार वालों को क्या इनाम रखा गया? ये तो कमेटी बताएगी कि नाम भी दो, पर इसमें मेडल देंगे हम और सर्टिफिकेट देंगे, जो सर्टिफिकेट नौकरी में काम करेंगे जी किसी भी नौकरी में लगा सकते हो सर्टिफिकेट, कोई फेल नहीं करेगा। ठीक, धन्यवाद।